4 बजे के बाद इन रास्तों पर को आने को किसी की हिम्मत नहीं होती। तो गाइस ये है भाई सरप्राइज, छोटा सा नन्हा मुन्हा मारने आई है भाई। अपन तो जा रहे हैं बम फोड़ने के लिए, पटाखे लेने जा रहे हैं। साथ इतनी जाति की जाती है ना भाई, तीन तीन भार रखे हैं इसमें, तीन तीन। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता लगा भाई यहाँ पे मिलते ही नहीं भाई, बनते ही नहीं है। ठीक है चलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है भाई मेरा नए व्लॉग में। एंड भाई बस अभी तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो रात मैंने बताया था भाई सरप्राइज है। सबसे पहले तो वो सरप्राइज बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ उसके बारे में भाई। एंड यहाँ पे थोड़ा बदबू सी हो रही है, पता नहीं किस चीज की हो रही है भाई, शायद आलू या फिर बैंगन खराब हो गए शायद, कुछ पता नहीं भाई, जो भी थोड़ा बदबू आ रही है ना, हो गया कुछ खराब। बस अब तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ भाई सरप्राइज जो कल शाम मैंने बताया था रात के टाइम, वो सरप्राइज आया। चलो बस अभी चलता हूँ आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो गाइस ये है भाई सरप्राइज, छोटा सा नन्हा मुन्हा मारने आई है भाई। ये पैदा हुआ रात इसकी डिलीवरी भाई गाय की, ये बछड़ा है। तो गाइस भाई मैंने आज का सरप्राइज आपको दिखाई दिया है रात के टाइम। भाई हमारी जो गाय है वो रात ब्याई है, हमारे इधर बोलते हैं भाई गांव की विलेज भाषा में बोलते हैं ब्याना, मतलब डिलीवरी हुई है इसकी। छोटा नन्ना मुन्ना बछड़ा उन्होंने दिया है, गाय का बछड़ा। तो भाई बस अभी जो है आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंगिंग क्लास, गाना सीखना खुद से ही भाई, देखेंगे यूट्यूब से देख लेंगे भाई, सिखाने वाला तो कोई है नहीं। और ये साउंड बॉक्स में ले आया हूं, एंड बस अभी तो अकेला ही हूं, अभी समंदर नहीं आया, आया भी था वो चला गया। बट बस सबसे भाई सिंगिंग स्टार्ट करते हैं, सिंगिंग क्लास यूट्यूब से थोड़ा देख के भाई कैसे गाना है कैसे नहीं, थोड़ा वो तो गा लेते हैं लेकिन सीखना तो पड़ेगा भाई, गुरु तो मानना पड़ेगा किसी ना किसी को। तो साथ से स्टार्ट करते हैं, चलो भाई रेडी करते हैं, इसको ओपन कर लेता हूँ अभी। तो गाइस पड़ोसी लग गए हैं भाई दिवाली की तैयारी में, कलर कर रहे हैं अभी, लेकिन कलर आ नहीं रहा भाई सही। डबल पेंट होगा, डबल होगा, अरे सिंगल में पहले अच्छा था ना, नहीं डबल में अच्छा होगा, चलो डबल में अच्छा है भाई। लेकिन हमारी दिवाली की अलग तैयारी होगी, हम जा रहे हैं भाई पटाखे लेने, अभी हम कलर नहीं करेंगे, हम तो भाई दिवाली खतरनाक वाली मनाएंगे, कलर नहीं, अपन तो जा रहे हैं बम फोड़ने के लिए, पटाखे लेने जा रहे हैं। तो भाई समंदर आ गया भाई, एंड बस अभी मैं भी रेडी हो गया हूँ, बाइक भी रेडी है, आज दूसरे वाली चेंज कर दी बाइक भाई, अभी निकल रहे हैं पटाखे लेने के लिए, मैं और समंदर ही जा रहे हैं, एक लड़का और जाना था, एंड टाइम भी काफी होगा, 3:30 बज गए भाई, लेट हो जाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा समंदर? एक घंटे में आना जाना हो जाएगा, 4:30 बजे तक आ जाएंगे, टाइम से दूध के टाइम से पहले आ जाएंगे। चलो तो भाई बैठो, ये खुला भाई नया रेस्टोरेंट है यहाँ पे, फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पे भी आएंगे टाइम निकाल के घूमने के लिए, हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, अभी नया खुला है, 1-2 दिन में आएंगे, सर्विस अगर अच्छी हुई तो भाई यहीं पे आया करेंगे। सही से भाई दो भैंसों की भी जगह नहीं है, लेकिन इनके साथ इतनी जाति की जाती है ना भाई, तीन तीन भार रखी है इसमें, तीन तीन, 1-2 नहीं 3 है, और भैंसे हैं काफी तगड़े वाली भाई। इन रास्तों का भाई काफी खतरनाक इतिहास रहा है, क्योंकि पहले जो था ना, पहले 4 बजे के बाद इन रास्तों पर को आने को किसी की हिम्मत नहीं होती थी, 4 बजे के बाद यहाँ पे आता नहीं था भाई, इन रास्तों को बंद हो जाते थे सब, मतलब जो भी कोई जाता था ना तो उसके साथ लूट मार तो जरूर होनी होगी, काफी खतरनाक इतिहास रहा है, इन रास्तों बाघ होते थे, भीड़ भाड़ काफी खतरनाक वाला सीन था। अब तो दिन रात चलते हैं, तो दिन रात रोड चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी भी टाइम जा सकता है, लेकिन पहले नहीं जाता था। तो आज फाइनली भाई पहुंच गए हैं यहाँ पे, यहाँ पे समंदर का कुछ रिलेशन है, बुआ है यहाँ पे, यहाँ पे रिलेशन है समंदर की, और यहाँ पे जो है पटाखे बनते हैं ना, तो यहीं से भाई लड़का आएगा, वो दिला के लेके दिलाएगा, कहाँ से दिलाएगा पता नहीं मेरे को, तो फैक्ट्री वगैरह जहाँ पे बनते हैं वो लेके जाएगा, बस अभी उसका वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं यहीं पे आएगा। तो भाई यहाँ पे आए भाई, तगड़े वाला पोपट हो गया यहाँ पे, तो हमने पूछा भी था समंदर भाई है, हमने कहीं से भाई पहले पूछा भी था, बताया भी था लोगों ने भाई यहाँ पे पटाखे बनते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता लगा भाई यहाँ पे मिलते ही नहीं भाई, बनते ही नहीं है, पकड़े वाला सीन हो गया। हम लोगों से पैसे वगैरह लेके आए थे भाई, काफी दिवाली के लिए पटाखे लेके जाएंगे, अपने लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, लेकिन यहाँ पे तो भाई कुछ भी नहीं है। चलो तो भाई फिलहाल भाई वहां से तो आ गए, अभी आ गया सामने भाई, चला गया अंदर, वहां से भाई पटाखे तो नहीं मिल पाए क्योंकि अभी तक सर्विस अवेलेबल नहीं हुई ना, 12 तारीख की दिवाली है ना, तो 8 तारीख को भाई सर्विस अवेलेबल होगी, क्योंकि 8 तारीख से मिलने शुरू होंगे पटाखे, अभी तो मिल नहीं रहे, लेकिन अपना बंदूकड़े का जो है ना पारो, जो पोटा गंधक वगैरह होती है वो हम लेके आ गए, काफी महंगा मिला भाई, लेकिन वो ले गए, ये है भाई चीनी मिल हमारे यहाँ, हमारे पास में पड़ता है, और लेट भी काफी हो गए भाई, 5:30 बज गए हैं,
एंड भाई ये मील भी अभी एक या दो दिन से ही चालू हुआ है, गन्ना आना शुरू हो गया भाई, ट्रॉलियां खड़ी है एक दो, उधर ट्रक भी खड़े हैं, अभी एक महीने के अंदर अंदर भाई काफी भीड़ हो जाएगी। हाँ समंदर ऐसी भाई एक महीने में काफी भीड़ हो जाएगी, अभी तो एक दो ट्रॉली आ रही है गन्ने की। गाइस भाई दूर काम निपटाने के बाद खाना खाने का टाइम है, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा चाउमीन, इतनी सी चाउमीन बनाई है भाई, थोड़ा ज्यादा बना दे भाई मेरे लिए, तो बनाते अपने लिए बनाए भाई स्पेशल। और क्या बनाया, और क्या है कुछ, चाउमीन खत्म हो गई, मोमोज दो, मोमोज यार पता नहीं तुम कैसी बनाते हैं कि मोमोज है, मोमोज का ये वाली डाल, ये मोमोज है भाई, क्या मोमोज है, ठीक ऐसा क्या बढ़िया, अच्छी लग, बढ़िया लग रही है क्या, अरे खा के तो देखो, लाओ दे भाई एक प्लेट दो, चेक करें भाई कैसी लग रही है, पहले खाए थोड़ी सी भैया हमको भी खिला दो, गरीब गरीब आदमी दे भाई इनको भी दे एक प्लेट। तो भाई भाई खाना खा के सीधा आ गए यहाँ पे, वीडियो भी एडिट कर दिए, और भाई बस कल जगराते में रही ना एक बजे तक वहाँ पे रहा भाई, उसके बाद वीडियो भी अपलोड करी, दो बज गए थे रात, तो उसी वजह से थोड़ा नींद आ रही है हल्की हल्की। और भाई कई दिन से तो मैं ये दुकान खुली रहती है ना, तो भाई यहीं पे आके बैठ जाता हूँ, यहीं पे एडिट करता हूँ। बाहर में ऐसा हो रहा है ना भाई, रात के टाइम कुत्ते इतना परेशान कर रहे हैं ना, रात को बहुत ज्यादा भौंकते हैं भाई, तो इस वजह से थोड़ा बाहर बैठने का मन नहीं करता, मैं सोचता हूँ अभी दुकान पे जाकर ही वहीं पे वीडियो एडिट कर करूंगा, यहीं भी नहीं बैठूंगा। तो भाई आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं आपको कल नए दिन नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।